जिस प्रकार आपके नाक का साइज आपकी आंखों के साइज से कोई कनेक्शन नहीं है कि आपको कैसी सांसें आती है और कैसे दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार आपका किडनी का साइज कुछ भी हो सकता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं उसकी फंक्शनिंग कैसी है। लेकिन डॉक्टर ने बताया किडनी शुगर भी, वो मान भी गया और मान गया क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ गया, वो मान गया और अपने आप को बिलीव करने लगा मैं तो किडनी पेशेंट। अब वो डॉक्टर जो बोलेगा या डकैत जो बोलेगा वो करेगा, वो किसी को भी लूटना आसान तब होता है जब दे देगा। और डराने के जो हथियार है, मैं यहां तो चलो एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस है जब मेरे नहीं है, आप भी ढूंढ के दे सकते हैं कि इसके अगेंस्ट जो मैं बोल रहा हूं इसके विपरीत चीज अगर सही है तो वो आप ढूंढिए, राइट है ही नहीं, सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। आते हैं क्रिएटिनिन पे, क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है ये बताना आपके लिए, आपको समझाना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि क्रिएटिनिन के नाम पे भूत के बता के लोगों को डराया जाता है। क्रिएटिनिन तब बढ़ता है जब किसी को इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, इन्फेक्शन तो होता ही रहता है, अभी भी मुझे खांसी जुकाम है तो इन्फेक्शन है, ऐसे में अभी अगर मैं अपना KFT कराऊँ तो मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा रहेगा। जिस तरह से जब आपको इन्फेक्शन होता है तो कई बार बुखार टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है ताकि वो फीवर आपके इन्फेक्शन को मार के भगाए। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है बल्कि वो हथियार है। ठीक उसी तरह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में ना फैले तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिप्लीकेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटिनिन कोई विलन नहीं है, ये आपको ठीक करने के लिए टेम्पररीली, या फिर आपके अगर यहाँ कोई पहलवान है उस पहलवान को बोलिए अपना KFT चेक करें। पहलवानों का क्रिएटिनिन बढ़ा हो, जितने ज़्यादा मुस्कुलर बॉडी होगी उतना क्रिएटिनिन बढ़ा हो, तो क्या पहलवान की किडनी फेल होगी सारी? तो अगर आपके बॉडी में मसल मास ज़्यादा है तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ा रहेगा, बट दैट डज नॉट इंडिकेट कि वो किडनी का पेशेंट है, राइट? या फिर जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं स्टीरॉयड्स, उनका क्रिएटिनिन फिर बढ़ जाता है, तो उनको क्या करना है, स्टीरॉयड छोड़ देना है, फिर वही सोल्यूशन। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं कर सकते, यहाँ के बाहर कर सकते हैं, जिनको कई लोग होते हैं ना जो मांस खाते हैं, 20 साल के 28 साल की उम्र तक मैं भी खाता था, बंगाली परिवार में ऐसे ही होता है, उसके बाद तो मैं डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेता, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ जब मैं मलेशिया वियतनाम जाता हूँ कि एक दिन अपना क्रिएटिनिन चेक करो, फिर रेड मीट मांस खूब सारा खा लो, खाने के 2 घंटे में क्रिएटिनिन चेक कर लो, 2 घंटे के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। क्रिएटिनिन खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, दैट डज नॉट मीन कि 2 घंटे के अंदर आपकी किडनी फेल हो गई, बर्बाद हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिएटिनिन कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे ये बता दिया जाए कि आपकी किडनी कैसे काम कर रही है।